पूर्व पक्षी सच शब्द को लेकर के विचार कर रहा था, सच्चेन न बाध्य तो मैं सत्कार क्या है। यहाँ पर बाध्यत्व भाव का आपादक सत्व आप सत्ता जाति मत्व मानते हो, अर्थक्रिया कारित्व मानते हो, अबाध्यत्व मानते हो या प्रामाणिकत्व मानते हो। सत्ता जात्यर्थ क्रियाकारित्वादिकम अनंगीकार पराहतम इकट्ठे त्वन्मते व्यभिचार इच्छा। पूर्व पक्ष कहना है ये पहला दो लक्षण तो आपके मत में हो नहीं सकता जो नैयायिक और वैशिष्ट्य मानते हैं और बौद्ध मानते हैं, सत्ता जाति मत या अर्थ क्रियाकारित्व, क्योंकि आपके द्वारा अस्व अनंगीकार से ही प्राहत्व के दोनों लक्षण। और त्वन्मत व्यभिचार इच्छा आप अद्वैत मत प्रपंच में व्यभिचार भी हो रहा है, प्रपंच में व्यभिचार भी हो जाएगा। कैसे बाध्यत्व है उसमें ना, बाध्यत्व नहीं प्रपंच में और एतार सत्व पर है नहीं। क्या आपने सत्ता जाते मत्व या अर्थक्रिया कारित्व ये आपके मत में प्रपंच में नहीं रहता है ना, यद्यपि जता जाते मान नहीं रहे इसीलिए आपके मत में है नहीं, जगत में साध्य है नहीं, ये तो चला गया व्यभिचार हो गया, इसलिए भी ठीक नहीं है। और यदि हम एक देशी बीच में कहता है नच व्यवहार दशाया अबाध्यत्व आपाध्यम, व्यवहार दशा में अबाध्यत्व स्वीकार कर लेंगे, बाध्य तो नहीं रहेगा, ऐसा मत कहो। तथा सती नह नाना श्रौत निषेधे न व्यवहार दशम अपाध्य से जगत अनिर्वचनित्व असिद्ध प्रसंगात। श्रौत बाद या गड़बड़ हो जाएगा, श्रुति ने नेह नानास्ति किंचन के द्वारा व्यवहार दशा में भी उसके बाध्यत्व को ही कहा है और आपके अनुसार अबाध्य कह रहे हो तो अबाध्य से जगत अनिर्वचनित्व सिद्ध प्रसंगात, फिर तो वो भी अनिर्वचन होने लग जाएगा, इसलिए वो आपका मत ठीक नहीं। इतना ही नहीं यौक्तिक बाद से व्यवहार दशा में भी दर्शनाच सचेत न युक्त्या बाध्यत युक्त, इस प्रकार का आप जो कथन करेंगे ऐसे आपदन का स्वरूप मानने में भी कोई असंगति नहीं रह जाती, क्योंकि अनुमान आदि युक्तियों के द्वारा केवल वो नहीं वाचरण विकार माध्यम नहीं, अनुमान आदि युक्तियों के द्वारा भी व्यवहारकालीन प्रपंच में बाध्यत्व मान अबाध्यत्व के भी बाद अर्थात बाध्यत्व जो है का निश्चय हो जाता है। क्यों यौक्तिक बाद में भी ले रहे हैं कि विद्यार्थी जी हिंदी वाले ने स्वप्न कामिनी आदि में अर्थक्रियाकारित्व रूपासत्व के रहने पर भी बाध्यत्व देखा जाता है। आपने सब प्रवत हमेशा देते हो तो वहाँ भी बिगड़ जाएगा, आपको दृष्टांत ही बिगड़ जाता है। और यौक्तिक पाल के अंदर वो भी लेता है स्वप्न चीजों को, वो स्वप्न काल में अर्थक्रियाकारी होते हुए भी बाद हो जाता है, उसे बाध्यत्व देखा जाता है। दर्शनाच्च है ना, व्यवहार दशा में भी यौक्तिक बाद से दर्शनाच्च उस पर दिया उन्होंने। इतना ही नहीं आप करें तीसरा मान लो फिर अबाध्यत्व रूपम सत्वम आपाद्य विशिष्टम तगत बहुत फिर हेतु से बराबर बैठ गया, क्या आपका हेतु है अबाध्यत्वात और साध्य भी हो गया अबाध्यम, हेतु के साथ अविशिष्टता को प्राप्त हो गया आपका साध्य, ये आपत्ति हो जाएगा। और अबाध्यत्व ये तीसरा लक्षण इसलिए हो सकता कि वह हेतु के साथ अविशिष्टता आपादक और आपाद दोनों एक हो जाएंगे और अभिन्न वस्तुओं में आपाद्य आपाद भाव स्वीकार नहीं किया जाता है, अतएव आपको चौथा लक्षण मानना पड़ा प्रामाणिकत्व, वो भी ठीक नहीं है। क्यों ये प्रामाणिकत्व तो ब्रह्म निष्ठ निर्विशेषत्वादो तत्तादि श्रुति वेद्ये ब्रह्म भिन्नत्या बाध्ये व्यभिचारीति सत्व अनिरुक्ति इति चिन्मयवाम। और कहते हैं प्रामाणिक रूपा सत्व जो आपके ब्रह्मनिष्ठ निर्विशेषत्व धर्मों में व्यभिचारी हो जाएगा, हम धर्म मानते हैं यदि मानते तो पूर्व पक्ष अपने ओर से कह रहा है निर्विशेषत्वादि जो धर्म है उनमें व्यभिचारी होगा, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है प्रामाणिकत्व अर्थात साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं उनके द्वारा उनको तत्वाधिक प्रमाण मानते हैं आप, ताश प्रमाण के द्वारा बोध्य निर्विशेषत्व निर्गुणत्व निष्क्रियत्व निष्कलत्व आदि, तो प्रमाण बोध्य होने के नाते उन पर अबाध्यत्व नहीं रह सकता, तो प्रमाण से बोध्य है तो बाध्य हो जाएगा।
अभी तो ब्रह्म से भिन्न होने के कारण से आप उसे क्या मान रहे, ब्रह्म भिन्नतया बाध्यत्व मानते हैं। उसमें विचार हो गया आपका है, तो ये जो लक्षण आपका विचार हो रहा है ऐसा मत कहो, ये सिद्धांत ही कहेगा। सच्चेत न बाध्यता यह आपादिकीभूत सत्व का आप निर्वचन ही नहीं हो सका, अति अर्थावत प्रमाण लागू नहीं हो सकता है। तो सिद्धांत से मत कहो। सत्वम यत्र प्रामाणिकत्वम, जो चौथा विकल्प आपने लिया वही हमारे लिए मान्य है। रही बात निर्धर्मकत्व निर्विशेषकत्व आदि, उसके बारे में जवाब देते हैं। प्रमाणत्व च तत्व आवेदकत्व, प्रमाणत्व उसको कहते हैं जो तत्व का आवेदन करावे, इतने मात्र उसकी प्रमाणकत्व आ जाता है। तच्च लक्षणया शुद्ध ब्रह्म बोध वेदांत वाक्य, पर भी लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म के बोध वेदांत वाक्यों में भी हम प्रामाणिकत्व मानते हैं। न तो निर्विशेषत्व धर्म प्रतिपादक है, निर्विशेषत्व आदि धर्म के प्रतिपादक वाक्यों में हम प्रामाण्यता नहीं मानते। अतो ना तत्र व्यभिचार, इसे वह व्यभिचार नहीं हो सकता। अर्थात ये क्या है, साक्षी चेतक के निर्गुणश्च, के वाक्य प्रामाणिक हो जाएगा। फिर आप कह रहे हैं कि निर्विशेषत्व धर्म के प्रतिपादक वाक्य को हम प्रामाणिक नहीं मानेंगे, वो तत्व आवेदक नहीं है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि आप उसको ब्रह्म रण धर्म कहते हो तो, और ब्रह्म के स्वरूप कहते हो तो नहीं, स्वरूप कथन कर रहे हैं तो प्रमाण वाक्य हो गया। इस धर्म पर कथन कर रहे हो फिर तो फिर वहां पर हमें मानना पड़ेगा प्रमाणिक वाक्य। न च स्वतः प्रकाशमाने ब्रह्मणि चिन्मात्रे वैयर्थ्येन प्रमाण अप्रवृत्या प्रामाणिकत्व अबाध्यत्वयोर व्याप्तिग्रह न स्यात्, प्रत्युत ब्रह्म भिन्न एव प्रामाणिकत्व सत्वेन तस्य बाध्यत्वेन एव सह व्याप्ति स्यात् इति न च वाच्यम्। तो पूर्व पक्ष कहता ऐसा है, यहाँ प्रामाणिकत्व रूपासत्व ही विवक्षित, यदि आप कहते हो तो ब्रह्म तो स्वतः प्रकाश है, उस तत्व को आवेदन करने के लिए प्रमाण क्यों मान रहे वेदांत वाक्यों में लक्षणा से, क्या जरूरत है स्वतः प्रकाश के लिए? क्योंकि यहाँ नीचे आगम का श्लोक दे रहे, देखिए, जैसे सूर्य के सामने दीपक व्यर्थ है, इस सब प्रकाश इस ब्रह्म के लिए प्रमाण भी व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल है वो। प्रकाशो नाम यह सर्वत्रैव प्रकाशते अनपन्नवनीयत्वात् किंतस्मिन् मान कल्पना। प्रकाश नाम यह सर्वत्रैव प्रकाशते, प्रकाश नाम उसी का है जो सर्वत्र प्रकाशन करे। यहाँ कोई सब छूट गया है, एक पद में ना आठ अक्षर नहीं है। अभी सर को रेफ मानेंगे तो गुरु बन जाएगा, र और का संयोग से संयोग गुरु बन जाएगा। यह कश्चित लिख लें वो ठीक रहेगा। प्रकाशो नाम यह कश्चित सर्वैव सर्वत्रैव प्रकाशते अनपन्नवनीयत्वात् किं तस्मिन् मान कल्पना। कभी आप प्रमाण की पहुँच से जो बाहर है ऐसे ब्रह्म प्रामाणिकत्व तो संभव नहीं है। अतः सच्चन्न बाध्यते इस आपादन से मैं अपेक्षित यत्र यत्र सत्वम मैंने प्रामाणिकत्वम तर तर अबाध्यत्वम, इस प्रकार की व्याप्ति निश्चय नहीं कर सकते आप। इसलिए आपको कारण ब्रह्म से भिन्न प्रपंच में ही प्रामाणिकत्व रूप सत्व रहता है, और जहाँ प्रामाणिक सत्व आप मान रहे हो ब्रह्म से भिन्न जगत में, वो तो बाध्य अबाध्यत्व नहीं है। अच्छा, बाध्यत्व के साथ ही उसकी व्याप्ति बनती है, यत्र यत्र प्रामाणिकत्वम तर तर बाध्यत्वम। अरे ब्रह्म में भी प्रामाणिकत्व मान लो तो ब्रह्म भी बाध्य हो जाएगा, यह आपत्ति दे रहा है। सचेत बाध्यता ऐसा आपादन तो संभव हो सकता है, तो सचेत न बाध्यता यह आपादन कभी संभव नहीं, क्योंकि व्याप्तिकरण नहीं होता, ऐसे पूर्व पक्ष का कहना है। तब सिद्धांत कहते न चवाच्य में समत कहो, स्वतः प्रकाश माने ब्रह्मणी चिन्ह मात्रे वही अर्थी है न प्रमाण प्रवृत्तिया प्राण प्रति व्यर्थ होने से प्रामाणिकत्व अबाध्यत्व व्याप्तिग्रह न सियात, अबाध्य से व्याप्तिग्रहण नहीं हो सकता, बल्कि ब्रह्म से भिन्न जो जगत है उसे प्रामाणिकत्व सत्व न तस्य बाध्यत्व ने सह व्याप्ति, उसके साथ बाध्य के साथ व्याप्ति हो जाएगा। इति नचवाच्यम ब्रह्मण, क्योंकि जो हेतु क्या है सिद्धांति के पास, क्यों नहीं हो सकता, ये ब्रह्मण स्वप्रकाशत्व अपनी व्यवहार प्रतिबंधक अज्ञान निवृत्त्यर्थम प्रमाण प्रवृत्ते सफलत्वात्, कहते अज्ञान निवृत्ति के लिए हमें इसको मानना ही पड़ेगा, कि ब्रह्मण
स्वप्रकाशत्व भी, भले ब्रह्म स्वप्रकाश है, ये सूर्य स्वप्रकाश है, वहाँ पर प्रकाशमान है ही है, कोई संशय नहीं है, लेकिन इस समय बादल घेर दिया। बादल को भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, जहाँ वायु भगवान वायु चला देते जबरदस्त, तब भगा देते उसको, तब सूर्य दिखने लगता है, न भगावे तो कहाँ से दिखेगा। वैसे आवरण है जो व्यवहार में प्रतिबंधक बना हुआ है, व्यवहार के लिए माना गया जो प्रतिबंधक भूत अज्ञान है, उसकी निवृत्ति के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति माननी पड़ेगी, उसमें उसकी सफलता है। अतएव न बाध्यत्व सब प्रामाणिक व्याप्ति, इसे बाध्यत्व के साथ प्रमाणिक व्याप्ति नहीं है। तो ब्रह्मणि व्यभिचाराद विरोधाच, दो कारण दे दिया, क्योंकि बाध्यत्व के साथ प्रामाणिकत्व का व्याप्य व्यक्त भाव दूर रहा, बल्कि विरोध भी हो जाएगा, और ब्रह्म व्यभिचार भी दिख रहा है। ब्रह्मणि व्यभिचाराद बाध्य के साथ प्रामाणिक की व्याप्ति संपन्न मान लेंगे, हम प्रामाणिक तो ब्रह्म भी मान रहे हैं, अज्ञान की निवृत्ति की प्रामाणिकवृत्ति मान रहा हूँ, तो प्रामाणिक वहाँ भी है, फिर ब्रह्म बाधित हो जाएगा, अजय व्यभिचार हो गया ब्रह्म में, और विरोध भी दिखा दिया, व्याप्य प्रभाव परस्पर विरोधी हो जाएगा बाध्यत्व का प्रामाणित्व के साथ। क्योंकि तत्वावेदक या अबाध्यत अर्थ विषय जो प्रमाण होता है वह निश्चित रूपेण बाह्य होता है, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म भी है अबाधित है, ये विरोध हो गया। नहीं तत्व आवेदता वेद्यम अतत्व नाम, तत्व को आवेदन करता हुआ जो प्रमाण कर बोध्य जो वेद्य है वो अतात्व को, ऐसा तो कभी होता नहीं। तत्व आवेदक प्रमाण के अंदर बोध्य जो तत्व होगा वह अवश्य ही यथार्थी होगा। तब पूर्व पक्ष कहता है फिर तो बताओ नेदम रजतम, ये तत्व का आवेदक वाक्य है, इसलिए बोध्य रजत तात्विक है। तेना लो रूप्यादि बाधक से तत्व आवेदकत्व अद्वैत हानि ही, रूप्यादि के जो बाधक जो तत्व आवेदक ज्ञान है नेदम रजतम यम शुक्ति है, वह भी यदि आपके अनुसार पारमार्थिक वस्तु कथन करेगा तो शुक्ति एक पारमार्थिक वस्तु हो जाएगा और आपका ब्रह्म एक दूसरा पारमार्थिक वस्तु हो जाएगा, और नेदम रजतम लोगे तो रजत को भी आपने पारमार्थिक मान लिया और आपत्ति खड़ी हो जाएगी। अतत्व आवेदकत्व तन निबंधनम रूप्य अप्रमणिकत्व न स्यात्, और अतत्व का आवेदक मान लोगे तन निमित्तक जो रूप्यादि में अप्रमणिकत्व थी वो विखंडित हो जाएगा। यदि चिन्ह यदि शुक्ति रजत का बाधक प्रमाण अतत्व आवेदक है तब बाधक रूप प्रमाण इधर बाधित होने के कारण से वह रजत में भी अप्रमणिकत्व कहा जाता है, यही व्यवहार में चलता है, लेकिन उसका विपरीत हो गया वह असंगत हो जाएगा। कारण है कि आपने अतत्व प्रमाण के द्वारा रजत का बाध नहीं मान सकते हो, कि तत्वाधिक में ही तत्व बोध होगा, अतत्वाधिक अतात्विक चीज उसका बोध होगा, कदा ऐसा नहीं करे चेन न बाधक से अतत्व आवेदकत्व अपनी रूप्यादि दीर्घ ना दीर्घ नहीं होना चाहिए रूप्याद्य प्रामाणिकत्व प्रयोजकता एव, शुक्ति रजत का बाधक प्रमाण अतत्व आवेदक है ये हम बिल्कुल निश्चयपूर्वक कहते हैं, किंतु वह अतत्व आवेदकता रजत अप्रामाणिकता प्रयोजक बनेगा, रजत में अप्रामाणिकता को सिद्ध करेगा वो अतत्व आवेदकत्व देव, तो रजत प्रामाणिक कैसे हो जाएगा, अभी अतत्व ही अतात्विक रह जाएगा। इसीलिए किसी क्योंकि किसी प्रमाण के द्वारा जो भी बाधित हो जाए वो प्रमाण को हम अप्रमाण थोड़ो कहेंगे, लेकिन प्रमाण अतत्व का आवेदक कर दिया, निश्चय करा दिया, ये का जो विषय है अतात्विक है, ये निश्चय करा रहा है तो ज्ञान थोड़ा अप्रमाणिक हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि बाधक से अतत्व आदि आवेदकत्व भी रूप्यादि अप्रामाणिकत्व प्रयोजकता एवं, क्यों बाध्य अन्यून सत्ताकत्व सेव बाधकत्व तंत्रत्वात्, बाध्य के अन्यून सत्ताक होनी चाहिए, न्यून सत्ता वाला नहीं होनी चाहिए, समसत्ता को या अधिक सत्ता वाला हो वही बाध्य कर सकता है, और यहाँ तो अधिक सत्ता वाला रहेगा कि बाध्य वस्तु प्रातिभाषिक था और बाध्य ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान व्यावहारिक है, यम शक्ति जो ज्ञान नैदम रसम ज्ञान हुआ, अधिक सत्ता वाला ही है, न्यून वाला तो है ही नहीं। और बाध्य बाधक भाव का नियम होता है बाध्य की सत्ता की अपेक्षा से अन्यून सत्ता का होनी चाहिए,
न्यून सत्ता का नहीं होनी चाहिए। न्यून सत्ता के मान लो फिर व्यावहारिक जगत को प्रातिभाषिक से बात पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रातिभाषिक को व्यावहारिक से बाधा जा सकता है और व्यावहारिक को पारमार्थिक से बाधा जाता है, ये व्यवहार है। अतएव पूर्व पश्चिता अतएव अतत्वाद व्यावहारिक प्रमाण पायितवस्यापी रूप्यादेर अद्वैतवत् स्वत प्रामाण्य प्रयुक्त पारमार्थिकत्वमस्तु। पूर्व पक्ष बड़ा उल्टा बोलता है। पूर्व पक्ष का मानना है कि अतत्वादि की भूत जो व्यावहारिक प्रमाण के द्वारा बाधित, यदि शुक्तिरजित आदि अद्वैतवत् के समान फिर स्वतः प्रामाणिक होना चाहिए। ये अद्वैत आपके यहाँ भी क्या हो रहा है कि अतत्व आवेदक व्यावहारिक प्रमाण वृत्ति गई, प्रमाण वृत्ति करके अज्ञान को बात दिया, तो आपको ब्रह्म जो ज्ञान हुआ ब्रह्म वो पारमार्थिक था कि नहीं। यहाँ भी अतत्व आवेदक प्रमाण वृत्ति जाए और वहाँ के जो था इदम अंश में जो गड़बड़ी थी उसको भंग कर दिया। शक्ति ज्ञान होने से जो रजत हुआ वहाँ वो पारमार्थिक हो जाएगा ब्रह्मवत्। पूर्व पक्ष बड़ा घुमा के बोल रहा है अतत्व आदि के व्यावहारिक प्रमाण के द्वारा बाहितस्यापि रूप्यादर अद्वैतवत् स्वतः प्रामाण्य प्रयुक्त पारमार्थिकत्वमस्तो। तब एक देशी कहता है मुख्य सिद्धांत आने से पहले न चास तत्व आदि का अद्वैत श्रुति बाद तत्व अद्वैत श्रुति की तरफ बाद रही है ना। यहाँ तत्व आदि का अन्य प्रमाण की तरफ व्यावहारिक वस्तु से बाधित हो रहा है, अद्वैत श्रुति से बाधित नहीं हुआ। ऐसा मत कहो तस्या भेद श्रुतिवत प्रत्यक्ष प्राप्त व्यावहारिक रूप निषेध अनुवादित या उपपत्त है। भाई आपके तत्व आवेदक जो अद्वैत श्रुति ज्ञानानस्ति किंचन है वो भेद श्रुतियों को जैसा बाध रहा है वैसे प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त जो व्यावहारिक रजत है उसी को किंचन से बाध सकते हो आप। ज्ञानानस्ति किंचन प्रातिभाषिक रजत को बाधता नहीं है, बल्कि सभी न्यून सत्ता वालों को बाधना चाहिए। लेकिन पूर्व पक्ष का कहना है हम नहीं मानेंगे। वो जिस प्रकार से व्यावहारिक भेद को बाध रहा है सिर्फ व्यावहारिक रजत को ही बाधेगा, प्रातिभाषिक रजत को नहीं बाधेगा। और जब प्रातिभाषिक क्या हो जाएगा पारमार्थिक हो जाएगा। इति अतएव निरस्तम पूर्वोक्तियों से यद्यपि अभी निरस्त हो जाता है फिर भी स्पष्टीकरण कर देते हैं। अधिकरण अनात्मकत्व पक्ष है, मैं विकल्प उठा के समाधान करते भाई बताओ कि जो द्वैत निषेध है वो अधिकरण रूप है या अधिकरण से भिन्न मानते हो। अधिकरण से भिन्न द्वैत ध्वंस होगा, वह द्वैत ध्वंस से स्वतंत्र अलग पदार्थ मानते हो ब्रह्म से भिन्न, या ध्वंस को ब्रह्म रूप ही मान लेते हो उससे भिन्न नहीं है। यदि अधिकरण अनात्मकत्व पक्ष है, अधिकरणात्मक नहीं माना अनात्मक पक्ष है, द्वैत निषेध से आप व्यावहारिकत्व उपादना च द्वैत निषेध को भी हम व्यावहारिक मानेंगे। सिद्धांति कहता है व्यावहारिक या लौकिक पारमार्थिक जिसको कहा जाता है उसी को हम द्वैत परिषेध मानेंगे, पारमार्थिक नहीं मानेंगे। यदि अधिकरण रूप मानोगे फिर तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, सर्वपाद हो जाएगा, आगे प्रातिभाषिक व्यावहारिक सब पाद हो जाएगा अपने आप। जब हमने अज्ञान को बाधा है द्वैत के कारण अज्ञान को नष्ट किया, वो नष्ट हुआ वस्तु ब्रह्म से भिन्न मानते हो तब तो अलग रह गया, उसका भी मिथ्या होना जरूरी है। अब बाकी सबको नष्ट कर दे उसको कौन नष्ट करेगा। सुंदर पसंद न्याय हम लगाते हैं तुम तो नहीं मान रहे इसलिए पृथक मान रहे हो, असुंदर पसंद न्याय लगा दो पृथक नहीं रहेगा, अधिकरण स्वरूप ही हो गया ब्रह्म ही हो गया, तो ब्रह्म होने से सर्व सर्व बात हो जाएगा, न तो केवल व्यावहारिक मात्र का नाशक बनेगा उचित बनता है। एक अधिकरण अनात्मकत्व पक्ष है द्वैत निषेध से अपे वा व्यावहारिकत्व उपादना च, ऐसा हमने पूर्व में भी उपादन कर चुका हूँ। तो अद्वैत वेदांत के कुछ आचार्यों ने बीच में कुछ बात इस संदर्भ में जो कहे हैं उसको लेकर बोल रहे हैं के चित्तु आहु सदिति असत एव लक्षणम ये विवक्षितम। और सत से आपने क्या लिया प्रामाणिकत्व को यहाँ पर, और वो कह रहे नहीं सत्व का अर्थ होता है असत विलक्षणम, असत से विलक्षण प्रामाणिकत्व लेना नहीं,
நச்ச அசத்த ஏவ இது அவதாரணசிய சசத்விலக்ஷன் நச்சேத் இது அர்த்த பரியவசானேன பிரத்யோகி அப்பிரசித்தியா ஆபாதக பிரசித்திர் இது நச்ச வாச்சியம். இது அசத் விலக்ஷன் அசத் அசத ஏவ விலக்ஷணம் ஏவக்கார் கிசிலியே அர்த்தத் துரங்க வியாவர்த்தனம் ஹோகியா ஏதுக்கார அசத ஏவ இது அவதாரணசிய சசத் விலக்ஷணம். ये दोनों अर्थ लेना पड़ेगा आपको, फिर वहां युक्ति में करें सत्सद विलक्षण न चेत बाध्यता, सद और सद उपाय से विलक्षण नहीं होता फिर वो बाधित भी नहीं होगा कहना पड़ेगा, जो सत्सद विलक्षण है वो बाधित होगा, जो सत्सद विलक्षण नहीं है वो बाधित भी नहीं होगा। इस तरह से आपको युक्ति प्रस्तुत करना पड़ जाएगा। ये पूर्व पक्ष कहना है इति अर्थ पर्यवसान है ना प्रतियोगी अप्रसिद्धिया, लेकिन ससदरूपता आत्मक जो प्रतियोगी है वही अप्रसिद्ध होने से आपादक की भी अप्रसिद्धि हो जाएगी। इति नचवाच्यम प्रतियोगी प्रसिद्धि अनुमान प्रागे वसय तत्वाद, ससद उभयात्मकता रूपा जो प्रतियोगी है उसकी प्रसिद्धि हम पूर्व अनुमान से सिद्ध कर चुके हैं, सत्व सत्व लिया था ना उसके द्वारा सिद्ध हो चुका। नच ससद विलक्षण नचेत इत्यत्र सत किम इति पूर्व विकल्प प्रसरा, ससद विलक्षण न चेत ये इस तरह के जब युक्ति देने लगोगे उसके अंतर्गत जो सत अंश है वो सत का क्या अर्थ करोगे, ऐसे दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है कि सत के बारे में अभी आपने पूछा था, चार विकल्प उठाए थे, चार में से तीन को त्याग दिया, एक को हमने स्वीकार किया प्रामाणिकत्व को, इसे दोबारा उसको फैलाने का कोई मतलब नहीं है। वही कहते हैं कि न पूर्व विकल्प प्रसरण, पूर्व में चार विकल्प उठा के जो फैलाया वो बात यहाँ उठाने का मतलब नहीं रह गया। प्रामाणिकत्व रूप सत्व दोष अनवकाशात, जो प्रामाणिकत्व रूपा सत्व को मानने में कोई दोष नहीं ये पूर्व में सिद्ध कर चुका हूँ। न च बाधे नैव अनिर्वाच्यत्व सिद्धिया ख्याति उक्ति अयोग, तब पूर्व पक्ष कहता है ख्याति बाध अनितानुपत्ति करके बोलने क्या जरूरत थी, बाध की अनितानुपत्ति से ही बात तो सिद्ध होगी आप जो चाह रहे हैं अनिर्वचनीय तो, पर ख्याति अनुपत्ति में कहने क्या जरूरत थी, साथ में एक से ही काम चल रहा। तस्या अर्थापत्यंतरत्वात् न अयोगा, क्योंकि हम उसको दूसरी अर्थापत्ति माने, इसी अर्थापत्ति को घुसाएंगे नहीं, दोनों मिलाकर के एक अर्थापत्ति नहीं है। ख्याति बाद अनितानुपत्ति हमने बोल रहा हूँ, ये उसका लग रहा है ख्याति और बाद दोनों मिलाकर के एक ही अनुपत्ति है, ऐसा नहीं है। बाद अनितानुपत्ति अलग है अर्थापत्ति और ख्याति अनुपत्ति अलग अर्थापत्ति है। तस्य अर्थापत्यंतरत्वात् आकरे एकत्वोक्तिस्तो प्रयोजन इत्याद इति कंठतस्तात्पर्यस्थिति आहुः, इन आकर ग्रंथों में तो दोनों को मिला के एक बताया, भाषादि में दोनों को मिला एकत्व कथन किया है, एक ही अर्थापत्ति है, आप कैसे करो दो अलग है। यहाँ पे आकरे जो एकत्वोक्ति है वो प्रयोजन ज्ञात कर दिया गया, शब्द तभी कहा गया तात्पर्य तभी कहा, कंठतम नहीं शब्द तम इति के चित्तु आहु, यानी ऐसा उन लोगों का कहना ये सम्यक जवाब नहीं था, इसलिए ये द्वा करके उसी को विस्तार में समझाएंगे। अबाधित्वमेव सत्तम, अथवा ऐसा करो ये प्रामाणिकत्व को लेकर एलर्जी किसी को वृत्ति है रूपा है ये सब मान करके हटाओ, तुम्हारा तीसरा लक्षण जो था अबाध्यत्व उसी को हम ले लेंगे। न च तरी आपाद्य अवशिष्य, अरे हमने तो दोष दे दिया था, हेतु साध्य अभिन्न हो जाएगा, अपाद्य पद का अवशिष्ट हो जाएंगे। कहते ऐसा मत कहो हमारे अपाध्यत्व का अलग अलग अर्थ कर दो, अपाद का अपाध्यत्व का अर्थ अलग और अपाद्य अपाध्यत्व का अर्थ अलग कर। आपादक अपाध्यत्व का अर्थ क्या होगा, त्रैकालिक निषेध अप्रतियोगित्व अपाध्यत्व, त्रैकालिक निषेध अप्रतियोगित्व, तेन च विपरीत प्रमा विषयत्व भाव अपाध्यते, विपरीत प्रमा विषयत्व भाव ये हेतु ले लेना आप अपाध्यत्व का अर्थ। तो क्या क्या बनेगा तब, त्रैकालिक निषेध अप्रतियोगी चेत विपरीत प्रमा विषयत्व भाववान स्यात्, ऐसा अर्थ होगा, विपरीत प्रमा विषयत्व के अभाव वाला हो जाएगा यदि त्रैकालिक निषेध का अप्रतियोगी हो जाए
फिर वो मिथ्या नहीं हो सकती ना। जो त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी है वो मिथ्या है, जो त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी नहीं है इसलिए वह बाध्य होगा, बाध्य नहीं रहेगा, अर्थात वो विपरीत प्रमा विषय का अभाव वाला होगा, विपरीत प्रमा विषय तो उसमें नहीं रहेगा, विपरीत प्रमा प्रमा का विषय तो उसमें नहीं रहेगा, अर्थात अबाध्यत्व रहेगा। इसलिए अबाध्यत्व दोनों में अलग अलग अर्थ कर दो, एक अबाध्यत्व का अर्थ हो जाएगा त्रैकालिक प्रतियोगी, न त्रैकालिक बाध अप्रतियोगित्वम, त्रैकालिक निषेध अप्रतियोगित्वम, और दूसरे का अर्थ हो जाएगा विपरीत प्रमा अविषयत्वम या ब्रह्म अविषयत्वम, सीधे ये ले रहे। इति नापाद्याविशिष्ट्यम्, आपाद्य के साथ अवैशिष्ट्यम न, व्यवहार से आपाद्यत्व न वा, अथवा ऐसा करो आपाद्य का बना व्यवहार को, व्यवहार से आपाद्यत्व न वा न आपाद्य अवैशिष्ट्यम, इसलिए आपाद्य से आपादक का वैशिष्ट्य भी अवैशिष्ट्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहेंगे त्रैकालिक निषेध अप्रतियोगी छेद तो व्यावहारिकत्व न भवती, अपाध्यत्व का अर्थ कर दो व्यावहारिकत्व न भवती, ऐसा ले लेंगे कोई दोष नहीं रहेगा। न च बाध्यत्वेन एव असत्यावृत्त्यर्पि सिद्ध्या अनिर्वचनीयत्व सिद्धिर पर्यवसानेन शेषवैयर्थ्या। तो पूर्व पक्ष कहता है प्रपंच में बाध्यत्व के द्वारा जो सत्य की व्यावृत्ति हो जाती है वैसे असत्य की भी व्यावृत्ति हो जाएगी, अलग से उसके लिए जो कह रहे हो ख्याति अनुपत्ति उसकी जरूरत नहीं, शेष में ख्याति अनुपत्ति वही अर्थ्यम। तो न प्रतीयत इत्यत्र विपर्य दृश्यत्वेन सद्वलक्षण सिद्ध्या न बाध्यत इत्युक्तिरपि अयुक्ता इति न च वाच्यम्, क्योंकि न प्रतीयत इतने मात्र कहने से ही विपर्य में दृश्यत्व आदि का खंडन हो जाता है, दृश्यत्वेन एव सद्वैलक्षण्य सिद्ध्या, सद्वैलक्षण तब सिद्ध हो जाएगा, हे दृश्यत्व सिद्ध बना लो। तो न बाध्यति युक्ति रपि अयुक्ता, न बाध्यता यह युक्ति करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने दोनों को खंडन कर दिया, मैंने अर्थापत्ति का खंडन हो गया, असत ख्याति की भी जरूरत नहीं है, असत जो है ख्याति के द्वारा अन्यतापत्ति कहना या बाल के अन्यतापत्ति दोनों की जरूरत नहीं है, दृश्यत्व रूपी हेतु के द्वारा सारा काम बन रहा है कि अर्थात प्रमाण क्यों दे रहे हो, अनुमान से जब काम चल सकता है तब सिद्धांत ऐसा मत कहो। बाध्यत्व दृश्यत्व और एकैकस्य ससद व्यावृत्ति उभय साधकत्वम यद्यपि संभवती, यदि बाध्यत्व अकेला ही साध्य सद असद विलक्षण तो सिद्ध कर सकता है, दृश्यत्व अकेला ससद विलक्षण तो सिद्ध कर सकता है नहीं, ख्याति अनुपपत्ति अकेला ही संसद विलक्षण को सिद्ध कर सकता है, प्रत्येक में हेतु में हमारे पास सामर्थ्य है संसद विलक्षण सिद्ध करने का, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हम नहीं कर रहे ऐसे, एक एक के लिए एक एक हेतु बता रहा हूँ, एक सद विलक्षण को सिद्ध करेगा, एक असद विलक्षण को सिद्ध करेगा, एक सद विलक्षणता को सिद्ध करेगा, ऐसे तीन के लिए तीन अलग अलग बात मैं कह रहा हूँ। क्यों ऐसे कर रहे हैं आप, कहते यद्यपि संभव थे तथापि एकैकस्य एकैक देश व्याप्यत्व ग्रह दशायाम उभयो साफल्यात्, एक हेतु से एक ही जो साध्य के साथ व्याप्ति ग्रहण की व्यवस्था मानेंगे तब क्या होगा, माने यत्र दृश्यत्वम तत्र सद्विलक्षणत्वम भवति, यत्र तत्र बाध्यत्वम तत्र असद्विलक्षणत्वम भवति, और असत क्या थी अनितानुपति इदम रजतम, के जो असत कथन किया इदम रजतम उसके द्वारा कहेंगे ये तरत संसद उभय विलक्षण भवती, एक के साथ एक को ही व्याप्ति बनाओ, मन बुद्धि वाला है एक के साथ सबको नहीं पकड़ पाता है तो अलग अलग के समझा दिया तो क्या आपत्ति है, साफल्यात उभयो साफल्य, इसलिए बाद अनितानुपत्ति और ख्याति अनुपत्ति दोनों ही सफल है बोलता है, उभय व्याप्यम अपि एकैका एक देश साधकत्वेन उपन्यस्यतः, कि हम देखते हैं न्यायिक लोग भी ऐसे करते हैं जो दो चीज़ों का एक व्याप्य बन रहा होगा तो उसको दोनों को अलग अलग बोलने की कोशिश करते हैं, एकैका एक देश साधकत्वेन उपन्यस्यतः प्रति एकैक साधकत्वस्य दोषावहत्व अभावात्,
फिर भी वो दोषावह नहीं रह जाएगा। वो अर्थापत्ति द्वयम व एतत्, अतः छोड़ो दो अलग अलग ही अर्थापत्ति मान लो, दो अर्थापत्ति अलग अलग मान लो। एकत्वोक्तिस्तो असत्वोपबाध्यत्व सतोप्य आत्मनो दृश्यत्व अंगीकुर्वतः परस्य मते एकैकेन उभय साधन असंभव निबंधना। एकत्व का उक्ति क्यों गई थी, इसलिए कि दोनों जो परमत्व ने द्वैत मत में जो असत बाध्यत्व मानते हैं, सतोपि आत्मन दृश्यत्व मानते हैं, वही पकड़ते हैं आत्मा और दृष्ट विश्वत्व भी पकड़ लेगा, आत्मा भी दृश्य कोटि में डालना कोशिश करता है। तो दृश्यत्व जो वो लोग मान रहे हैं उनके लिए हमें अलग अलग हेतु के अलग व्याप्ति बनाना पड़ा। वही सतोपि आत्मनो दृश्यत्व अंगीकुर्वता परस्य मते एकैकेन उभय साधन असंभव निबंधना। एक अध्याय एक के द्वारा उभय साधन करना संभव नहीं माना हमने, असत्य में बाध्यत्व और सदृपात्मा में दृश्यत्व ये हम मानते हैं, उसके वजह से हम लोगों को अलग अलग कहना पड़ा। तब पूर्व पक्ष कहता है ननु न बाध्यत्व इत्यत्र बाधा किम बाध ज्ञान निवृत्ति त्रैकाल का निषेधो वा सच्चेत न बाध्यता। सच्चेत न बाध्यता में आप बाध्यत्व से क्या कहना चाहते हो, बाध्य ज्ञान का क्या लक्षण होगा, अर्थात बाध्य वस्तु को हम ये कहना चाह रहे हैं ये बाधक ज्ञान के द्वारा निवृत्त होता है ये कहना चाहते हो, या त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी है, त्रैकालिक निषेधो वा बाध का लक्षण करना पड़ेगा, बाधक ज्ञान निवृत्ति बाधा त्रिकाल का निषेध हुआ बाद आद्य नाद्य आद्य पक्ष ठीक नहीं तुम्हारा, क्योंकि वह हमारे मत इष्टापत्ति है, बाद ज्ञान का निवृत्ति को हम बाद कहते हैं इष्ट है, क्योंकि नेदम रजतम इस बाद ज्ञान के द्वारा, यम युक्ति इस बाद ज्ञान के द्वारा ही रज की निवृत्ति, उसको बाद होना बोलते हैं रजत का बाद होना। द्वितीय असत विलक्षणत्व पक्षेण बाध्यते च इति विपरे अपर्यवसानम इति चिन्ह, क्योंकि ये बोल रहा है पूर्व पक्षी, इष्टापत्ति भी दे रहा है पूर्व पक्षी दे रहा है, माध्यमत में इष्टापत्ति वेदांत मत में नहीं, इष्टापत्ति माध्यम बाध ज्ञान के द्वारा निवृत्ति वो मान रहा है वेदांत नहीं है, यदि हमारे यहाँ की बाध ज्ञान की क्यों निवृत्ति नहीं होगी, यार तो बाद ज्ञान निवृत्ति मानना चाहिए ना, आदि पक्ष हमें भी स्वीकार करना चाहिए, इसे सिद्धांत ही कहेगा उभयताप या दोषात, दोनों ही पक्ष हमारे लिए अनुकूल ही है, केवल तुम्हारे लिए इष्टापत्ति नहीं है हमारे लिए भी इष्टापत्ति है, हम भी बाद ज्ञान की निवृत्ति मान लेंगे, ये सिद्धांत ही कहेगा। पहले आप ये जो बोल रहे हैं पहले वो बोल रहा है पूर्व पक्ष बोल रहा है न आद्यमन इष्टापत्ति अपने मत के अनुसार इष्टापत्ति दे रहा है, सिद्धांत इसलिए क्या कि देखो आगे उभयताप या दोषात, सिद्धांत कह रहे हैं दोनों ही पक्ष हमारे ठीक है, त्रिकाल निषेध कहो बाद तारस प्रत्येक जिसमें आयुष्कार मिथ्या बाध्य वस्तु हो जाएगा वो हमें भी स्वीकार है, असत विलक्षणत्व पक्षेण बाध्यते चैती। तो दूसरे में कहता है लेकिन आपत्ति दे रहा त्रिकालिक निषेध का प्रतियोगी ये जो आपका है लक्षण बाधित का ये नहीं हो सकता, क्यों असत विलक्षणत्व पक्षेण कि सत विलक्षण ही बाधित होता है, असत्य सच्चित न बाध्यता ये आपका कहना है, ये सत्य होता तो बाधित नहीं होता, जो सत्य से विलक्षण है वही बाधित होता है या कहने का अभिप्राय हुआ, असच्चित बाध्यता कहो वो असत नहीं कहेगा वेदांती, तो सत विलक्षण कहेगा ये अंतर रहता है। तो फलितार्थ कथन आपके अनुसार भी ये बनना चाहिए असत विलक्षणम बाध्यता ये बनना चाहिए, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपके यहाँ तो असत से विलक्षण होगा वो सत से भी विलक्षण होगा, सत सत उभय से विलक्षण भी आप मानते हो उसको, लेकिन असत विलक्षण मात्र सत, सत विलक्षण मतलब असत, ये आपने स्वयं निषेध करते परस्पर रूप हम नहीं मानते कह चुके हो भिन्न हो, इसे कहता है अतः शुक्ति रजत में असत विलक्षण नहीं माना जा सकेगा, यह आपत्ति दे रहा।
तवा त्रिकाल निषेध प्रतियोगी तो नहीं जाएगा सूत्र जंत में। क्या मिथ्या वस्तु में त्रिकाल निषेध प्रतियोगी मानते हैं कि असत वस्तु में मानते हैं कपोष्पादि में? आप मान ही नहीं सकते वहाँ, न निषेध का प्रतियोगी न विधि का प्रतियोगी है वो, निषेध और विधि से परे है। इसे कहते हैं कि ये आपत्ति आगत सिद्धार्थ ना, ना हमारे मत में कोई दोष नहीं है। उभयतापि अदोषात्। क्यों उभयतापि अदोषात्? कहते बाद के कथित दोनों विकल्पों में हमें कोई दोष इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि शुक्ति रजत में बाधक ज्ञान निवर्त्यत हमारे मत में संभव है, तुम्हारे मत में संभव नहीं है। कि तुम्हारे मत में वो रजत असत है, रजत क्या आपके मत में असत है, हमारे यहाँ तो मिथ्या था निवृत्त हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ निवृत्त नहीं होगा बल्कि तुम्हारे यहाँ दोष आएगा। इष्टापत्ति आप नहीं दे सकते, हम तो दे सकते इष्टापत्ति, हमारे तो निवृत्त होता है। इसे अतः माध्यत्व इष्टापत्ति है यह उचित नहीं है। न च आद्य इष्टापत्ति सिद्धांतिकार है देखो, क्यों? ज्ञान निवर्तित्व श्रुत्यादि सम्मतेर उक्तत्वात्। ज्ञान के द्वारा निवर्तित्व श्रुत्यादि सम्मति के साथ हमने कथन कर चुका हूँ, बाधक ज्ञान का निवर्तित होता ही है। और तुम्हारे लिए इष्टापत्ति नहीं हो सकती, तुम्हारे बाधक ज्ञान के द्वारा भी असद वस्तु की निवृत्ति नहीं हो सकती, रस्ताद की निवृत्ति नहीं होगी। इसे आप इष्टापत्ति मत दो। और द्वितीय भी नासद विलक्षणत्वेन विपर्य अपर्यवसान, असद विलक्षण कहने मा से उसके विपरीत परेशान हो जाएगा, असद विलक्षण बाध्यत और अर्थात असत से जो सत्य है वो बाधित हो जाएगा, ऐसा अर्थ आप नहीं कर सकते कि प्रतिपन्नोपाधिस्थ निषेध प्रतियोगित्व असत्य सम्भवेन असद विलक्षण से विपर्य पर्यवसान प्रयोजकत्वात्। बल्कि असत विलक्षणता विपर्य का पर्यवसान करने में हमारे लिए प्रयोजक ही बन जाता है क्योंकि हमारे मत में प्रतिपन्नोपाधिस्थ जो निषेध का प्रतियोगित्व को ही हम असत करके असत्य संभवेन असत्यता उसे मानते, सत्य भी नहीं है वो वास्तव में, असत्य भी नहीं है वो, सत्य असत्य वही रूप भी नहीं है वो। ये हमारे जब कहना होता है कहते कि असत वैलक्षण्य व असत वैलक्षणता का ही वह विपर्य में परिवसान हो जाता है, अर्थात असत विलक्षणत्व प्रयुक्त बाध्यत्व रूप विपर्य में परिवसान नहीं हो सकता, ऐसा आप नहीं कह सकते। बात कहाँ पूर्व में बोल चुके, कहते पृष्ठ संख्या 25 में कहा जा चुका है, नया नानास्तिनी जो है श्रुति को लेकर के श्रुति सम्मति दे के साथ में हम खंडन कर चुके हैं।